Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. तो नो योर टीम में अब हम आपके लेकर आए हैं पंजाब किंग्स। ये रही पंजाब के अनुज की फेवरेट टीम है और एक्साइटेड आप नहीं लग रहे हैं ऑक्शन में, तो आपकी टीम ने बड़ा अच्छा किया इस बार। एक्साइटेड मैं बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि एक बैलेंस टीम लग रही है पंजाब किंग्स की इस बार की, अगर बात करें फाइनली प्लेयर्स लग रही है और अभी सिर्फ पेपर पे लग रही है, बाकी तो ऐसे तो कई टीमें पेपर पे ही रहती है, ऐसे सामने दिखती है पेपर पे रहती है और पेपरों पे फिर जब नंबर आते हैं तो वो पता चलता है कहाँ कहाँ। रेड कलर में कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है, रेड कलर में। चलिए तो खैर अब पंजाब किंग्स की बात करते हैं, आपका रिवीजन करवाते हैं कि ऑक्शन के बाद प्लेयर्स की शफल होने के बाद अब पंजाब का जो फाइनल स्क्वाड है वो कैसा बना है। मयंक अग्रवाल के साथ ये गए थे, इन्होंने भरोसा दिखाया उनके ऊपर और फाइनली कप्तान बना दिया। हालांकि लग रहा था कि शिखर धवन को ले गए हैं तो शायद शिखर का नाम भी आगे चल रहा था क्योंकि कप्तानी की रेस में उनको कप्तान बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मयंक को क्योंकि रिटेन किया था उनके साथ उनसे बातचीत हुई होगी और मयंक को अब लीडर बनाया गया है। वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मयंक अग्रवाल एक कैप्टन के तौर पर टीम के लिए क्या लेकर आते हैं। बाकी अर्शदीप को रिटेन किया था पंजाब ने, उसके बाद ये इनकी फाइनल टीम अब जो है वो दिख रही है। सबसे पहले शिखर धवन, कगिसो रबाडा, जॉनी बेस्टो, राहुल शहर, राज अंगद बावा, 19 के स्टार हरप्रीत ब्रार, शाहरुख खान, ईशान पोरेल, प्रभसिमरन सिंह, ऋषि धवन और प्रेरक मानकड़। इसके बाद और खिलाड़ियों की बात करें तो जितेश शर्मा, ओडियन स्मिथ, संदीप शर्मा, लियाम लिविंगस्टोन फाइनली मुझे देखना था, बलतेज ढांडा, वैभव अरोड़ा, ऋतिक चटर्जी, अंश पटेल, नेथन एलिस, अथर्व ताइडे और भानुका राजपक्षा, श्रीलंका के खिलाड़ी कुछ ही खिलाड़ी हैं यहाँ पर, और बेनी हॉवेल, तो ये खिलाड़ी हैं और ये स्क्वाड है पंजाब किंग्स की, एक बैलेंस स्क्वाड है। अगर ये स्क्वाड देख के ही आप बता सकते हैं कि मेन ऐसे कौन से खिलाड़ी होंगे फॉरेनर्स जो यहाँ पर उतरेंगे पंजाब की तरफ से। वहीं अगर कुछ खिलाड़ियों की ऐसी बात करें, कगिसो रबाडा की अगर बात करें, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में सीरीज चलती हुई साउथ अफ्रीका की, तो शुरुआत के कुछ जो मैच हैं वो मिस करेंगे। जी जैसे अनुज बता रहे रबाडा मिस करेंगे, जॉनी बेस्टो भी हो सकता है एक मैच मिस करे पंजाब के लिए और करेंगे ही। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखने के लिए हम एक्साइटेड हैं। एक तो राज अंगद बावा, उनका जरूर, नाम जरूर। आया है और जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 में परफॉर्म किया था, आप लोग भी देखना चाहते होंगे कि ये यंगस्टर क्या लेकर आता है। शाहरुख खान को देखने के लिए हमेशा सब एक्साइटेड होते हैं और वो ट्विटर पर चलने लगता है ना कि आज जारा की टीम क्या शाहरुख खान की टीम को हरा पाएंगे शाहरुख, ये वो, ये सारी चीजें। उसके अलावा हरप्रीत ब्रार का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्लेयर है जो मुझे बड़े एक्साइट करते हैं क्योंकि एबी का विकेट, मैक्सवेल का विकेट, विराट का विकेट, बिल्कुल कोहली का विकेट, मैक्सवेल का विकेट, जब से इन्होंने लिया है इनका हर ओवर में बड़े ध्यान से देखती हूं और बिल्कुल मिस नहीं करती हूं। तो पंजाब भी बड़ी क्लियर थी कि हरप्रीत को तो हमको लाना ही है। एक बड़ा नाम जो है लियाम लिविंगस्टोन का, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल भी होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर है 11.5 करोड़, तो उम्मीद ऐसी होगी कि भाई आप ऐसी बड़ा परफॉर्मेंस पंजाब की तरफ से खेलें। और अगर स्क्वाड की बात करें, जैसा कि मैं पहले भी बैलेंस स्क्वाड की बात कह रहा था, वो एक अगर बात करें यहाँ पे भानुका राजपक्षा को ले लिया जाए, लियाम लिविंगस्टोन को, कगिसो रबाडा को ले लिया जाए वहां पर, और जॉनी बेस्टो, तो ये चार अगर आपके बाहर के खिलाड़ी होते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि किसे किन्हें चूज करें किन्हें नहीं चूज करें अपनी प्लेइंग 11 बनाने के लिए। जी और ऋषि धवन भी यहाँ पर है अनुज, अगर आपने भी उनकी हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस देखी हो तो बड़ी अच्छी है। ऋषि धवन, शिखर धवन है, शिखर धवन को तो सब पसंद करते ही है, जो उनका वो स्टाइल है वो मुझे लगता है पंजाब की टीम पंजाब, को सूट भी बहुत करने वाला है। पंजाब में दो धवन, केकेआर में दो अय्यर्स, दो इसका क्या बना, इसका कुछ नहीं बना, लेकिन ये बनाने वाली बात है ना यार, आपको बनाने ही तो पड़ता है आईपीएल में। और अब देखते हैं कि मयंक अग्रवाल क्या बनाते हैं जब वो एक लीडर के तौर पर उतरेंगे अपनी टीम को लेकर, तो क्या कुछ लेकर आते हैं पंजाब के स्क्वाड के लिए, पंजाब की टीम के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए, और जो भरोसा उन पर दिखाया गया है वो उसको कैसे वापस रिवर्ट करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी को। और बाकी अगर आप पंजाब के फैन है तो आपको मालूम है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है और पूरे आईपीएल, थ्रू आउट द आईपीएल आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ रहना है, क्योंकि यही मिलेगी आपको थ्रू आउट द आईपीएल। आपको पंजाब किंग्स को ही सपोर्ट करना है, आपको पंजाब किंग्स को ही सपोर्ट करना है हर मैच में, जब भी वो कर दीजिए बुर्रा बुर्रा, और ये एकदम शिखर धवन वाला जो है। चलिए थैंक यू।